आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांगड़ा में आज शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया हिमाचल प्रदेश बनाने का समय आ गया है। मैं भाजपा और कांग्रेस के सभी अच्छे लोगों से अपनी पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का आग्रह करता हूँ। मैं इस राज्य के लोगों से आपको एक मौका देने का अनुरोध करता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से मैं यहाँ आया हूँ, तब से जितने लोग मुझसे मिले हैं, सभी ने कहा कि यहाँ की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल का बुरा हाल कर दिया है। मैं जयराम ठाकुर को निमंत्रण देता हूँ कि आप दिल्ली आकर सरकारी स्कूल देखें। हमारी सरकार से पहले दिल्ली में भी सरकारी स्कूल खराब थे। हिमाचल में आपको ईमानदार सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है वो भाजपा और कांग्रेस की वजह से है। अभी दोनों पार्टियां मिलकर मुझे गालियां दे रही हैं। मैंने हिमाचल प्रदेश को नहीं लूटा है, आप लोगों ने लूटा है। केजरीवाल ने कहा कि कल जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट करके कहा कि हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार है। मैं आपसे पूछता हूँ कि हिमाचल में आपको ईमानदार सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन भी कांगड़ा पहुँचे हुए हैं। सत्येंद्र जैन ने यहाँ मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम कई जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, केवल बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेता रहेंगे और बाकी हम साफ कर देंगे। हम पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हैं और केवल अच्छे लोगों को ही लेंगे। हिमाचल प्रदेश में ईमानदारी से काम करेगी आप? ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।